अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी में। आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में आज ज़िमनी इंतखाबात थे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भारी अक्सरियत में जो पूरे पंजाब की आवाम है उन्होंने कामयाब बनाया है। इस वक्त रावलपिंडी का जो इलाका कोहोटा का इलाका और कर्नल सईदा का इलाका पीपी सात का हल्का है, वहाँ के नतायज गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज जो हैं 236 इस वक्त जो है जो पोलिंग स्टेशन उनके नतायज आ चुके हैं और इस वक्त पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ हम उनसे जानेंगे कि किस तरह इमरान ख़ान साहब के बयानिए को आवाम ने सपोर्ट किया और पंजाब के अंदर एक यकदम तब्दीली आई। तो इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमपीए एजाज खान जाजी साहब के बड़े भाई इकबाल खान साहब मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि उनका इस जीत के ऊपर क्या रद्द अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के करम, अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया जी पाकिस्तान के ऊपर। मैं ये समझ रहा हूँ कि आज 75 साल के बाद पाकिस्तान हकीकी मायनों में आज़ाद हुआ है जी। आप ये देखें कि अमेरिका की जो रजीम चेंज थी है ना जी, ये जो चोर और डाकू थे सारे इकट्ठे होकर है ना जी, एस्टैब्लिशमेंट वगैरह, अदलिया, मीडिया सारा है ना जी, तमाम इदारे इमरान खान के एंटी मुखालफ थे। आज अल्लाह पाक ने इमरान खान को इतनी इज़्ज़त दे दी है कि ये लम्हा मैं कहता हूँ कि खुशनसीब आदमी को देखना नहीं सही देखना पड़ रहा है ना जी। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हम कहते हैं इमरान खान की क़ियादत में उम्मत मुसलमा के 57 वर्षों को अब लीड करेगा इंशाल्लाह ताला, और अब इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा इमरान खान लेगा। और इमरान खान ने ये साबित कर दिया वो सच्चा और एक ईमानदार और महब वतन लीडर है। बाकी सब के चेहरे आया हो चुके हैं कौम के सामने, लोगों ने देख लिया है चोर चकारों को। बात यह वाली है, अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा करम किया है और ये इमरान खान की जीत नहीं है, मैं ये समझ रहा हूँ ये पूरे पाकिस्तान की उम्मत मुसलमा की जीत है जी। इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कामयाबी की मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही है और यहाँ पर मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आवाम का जोश खरोश देख सकते हैं। रिज़वान रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पीटी वाले पीटीआई के भाइयों को सिर्फ एक बात कहूँगा कि वो दो नफिल शुक्राने के अदा करें और किसी से मत उलझें। अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है, शुक्रिया।